पूर्वी दिल्ली के प्रीतविहार इलाके में एक घर से लाखों रुपए की नकदी की चोरी की वारदात सामने आई है। दिल्ली के प्रीतविहार इलाके के डिफेंस एनक्लेव 71 मकान नंबर की पहली मंजिल में चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित निखिल बंसल, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके परिवार में पत्नी और एक बच्चे के साथ वह रहते हैं और जिस वक्त चोरी हुई थी निखिल बंसल जयपुर में थे। निखिल बंसल को चोरी की वारदात का तब पता चला जब उन्हें किसी को पेमेंट देना था तो उनकी पत्नी ने बताया है कि वहां पर बैग नहीं है। पीड़ित ने तुरंत थाना प्रीतविहार में फोन कर चोरी की घटना की जानकारी दी। मौके पर थाना प्रीतविहार की पुलिस टीम, एडिशनल DCP, SP और क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करती है। पुलिस आसपास लगी CCTV फुटेज की जांच कर रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि करीब 50 से 70 लाख रुपए की चोरी हुई है। नाम एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मयंक जी, क्या घटना हुई थी यहाँ पे? मुझे आज सुबह पता चला कि हमारे 71 डिफेंस एनक्लेव में फर्स्ट फ्लोर में कि रात में 2 बजे कोई चोर जो है वो पार्क से आया और बाहर के दरवाजे से जो है उसने चढ़ा और इनके किचन से एंटर करते हुए अंदर कुछ कीमती सामान रखा था एक बैग में, उसको लिया और लेके उतर के और भाग गया। क्या CCTV में दिख रहा है बंदा कैसे? CCTV में फुटेज में इन्होंने निकाला तो रात के 2 बजे का समय है, मास्क लगाया एक आदमी जो है वो पार्क से दिखाया आते समय उसने जो बैग लिया वो बैग लेके 20 से 25 या 30 सेकंड में वापस आया और आके उतर के और तुरंत वो भाग गया। क्या लगता है सर, कोई जानकार आदमी हो? देखिए, बिना परिचित के किसी को इतना पता नहीं होता एक रेगुलर कोर्स में, क्योंकि CA हैं, इनका काम है अपना, तो स्टाफ में लोग भी काम करते हैं और लाजमी है कि स्टाफ के आदमियों के बिना जानकारी के ये चीज़ संभव नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।